अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफ़र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर से शुरुआत करूँगा साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। रमज़ान दोस्तों पूरी गल्फ कंट्री में 23 मार्च 2023 को ही स्टार्ट हुआ और पूरी एशिया कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे देशों में 24 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो साथियों, रमज़ान के टाइमिंग के मैं आपको दोस्तों बताता हूँ वहाँ नमाज के बारे में। तो यदि आप नमाज पढ़ते हो, रोज़े रखते हो, तो आपको दोस्तों टाइमिंग बताता हूँ कि वहाँ पे कतर में अभी टाइमिंग क्या है। यदि फजर का दोस्तों नमाज पढ़ते हो, 4:17 में फजर का वहाँ पे अजान होगी, 11:40 में जोहर का, 3:07 में असर का, 5:50 में मगरिब का, वहीं पे ईसा का दोस्तों होगा 7:20 में। इफ्तार की टाइमिंग दोस्तों दी गई है इफ्तार की टाइमिंग दोस्तों दी गई है 5:50 में और 5:50 में दोस्तों दी गई है। और सहरी का वक्त दोस्तों ख़त्म हो जाएगा 4:06 में, यानी दोस्तों 4:17 में वहाँ पर नमाज है और 4:06 में दोस्तों इफ्तार का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी आप लोग कतर में हो, इफ्तार करते हो, सहरी करते हो, रोज़ा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, तो यही दोस्तों टाइमिंग होगी। इसके अलावा कोई भी मस्जिद में 1-2 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही साथियों, यदि कतर में आप रहते हो, यदि मेरे वीडियो का महिलाएं कोई भी देखती हो, लेडीज़ वगैरह हो, तो आपके लिए भी दोस्तों तरावी का इंतज़ाम किया गया है। कुछ मस्जिदों में आप जाकर तरावी वगैरह जो है कतर में पढ़ सकती हैं। तो जो भी महिलाएँ मेरी वीडियो को देखती हैं, तो मैं आपको बता दूँ कुछ मस्जिदों का मैं नाम आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि उमर बिन अल ख़ताब मस्जिद जो है वहाँ पे जाके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, वहाँ पे महिलाएं नमाज़ वहाँ पे पढ़ सकती हैं। दूसरा मस्जिद है इमाद मोहम्मद इब्न अबल अल वहाब मस्जिद, यहाँ पे जाके आप महिलाएं नमाज़ पढ़ सकती हैं। अल मना मस्जिद वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ये लुसैल में है। अगला दोस्तों इसमें अल फनार मस्जिद जो है वहाँ पे भी जाके आप इसमें पढ़ सकती हैं महिलाएं भी। और अगला इसमें मीनारटीन मस्जिद, यहाँ पे भी जाके आप वहाँ पे जाके नमाज़ अदा कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महिलाएं भी वहाँ पे जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से भी किया गया था। तो जो भी लोग आप लोग तरावी वगैरह पढ़ना चाहती हैं जाकर पढ़ सकती हैं। अगली खबर दोस्तों जा रहे साथी, बहुत ही बड़ी खबर है, वैसे ही 2 दिन पुरानी खबर है, पर बहुत ही बड़ी खबर इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साथी। यदि आप मंसूरा एरिया के बारे में आप जानते होंगे, अल मंसूरा, तो वहाँ पे परसों के दिन बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी थी। वहाँ पे 7 बिल्डिंगें जो हैं वो कोलैप्स कर गई, यानी वो ढह गई, जिसके वजह से दोस्तों वहाँ पे एक शख्स की मारे जाने की अब तक खबर आ रही है और एक बच्चा जो है फिलहाल अभी घायल है। वो बिल्डिंग अचानक कैसे गिरी इसके बारे में दोस्तों कोई अभी खबर अभी नहीं आ रही है, पर वहाँ पे मौके पे सिविल डिफेंस आर्मी वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस वगैरह सभी वहाँ पे पहुँच गई हैं और वहाँ पे जो भी दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। फिलहाल अभी एक शख्स के मारे जाने की दोस्तों अब तक खबर आ रही है और बाकी किसी की दोस्तों जान वगैरह जाने की वैसी कोई संकेत अभी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये घटना घटी है अल मंसूरा एरिया, आप जानते हूँ वहीं के दोस्तों ये घटना है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जारी, प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 73 के तहत लेबर लॉ। तो दोस्तों लेबर लॉ के तहत साथियों बताया गया कि रमज़ान के दौरान जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पे हफ्ते में सिर्फ 36 घंटा ही अपने वर्करों से कोई भी कंपनी काम करवा सकती है और सिर्फ 6 घंटे ही काम करवा सकती है। ये ऑफिशियली मिनिस्ट्री के तरफ से और लेबर लॉ के तहत दोस्तों ये नियम को लागू किया गया है। इससे ज़्यादा यदि कोई भी कंपनी किसी से काम करवाती है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और यदि कोई वर्कर उससे ज़्यादा काम करते हुए पैसे के चक्कर में पाया जाता है तो उस पर भी वहाँ पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी वहाँ लोग आप लोग कतर में रहते हो, तो मैं आपको बता दूँ आर्टिकल नंबर 73 लेबर लॉ के तहत वहाँ पर मैक्सिमम जो काम करने की आपकी क्षमता होगी वो 6 घंटा होगा दिन में, और हफ्ते में 36 घंटा ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।